चुप्पी तोड़कर बोले डीके शिव कुमार, मुझे सीएम बनाने के लिए वोट दिया गया लेकिन मुझे सीएम नहीं बनाया गया। कांग्रेस के नेता और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने पद संभालने के बाद पहली बार अपने निर्वाचन क्षेत्र कनकपुरा का दौरा किया। वहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत से गदगद दिखे शिव कुमार ने अपने समर्थकों को बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और गांधी परिवार के सदस्यों की सलाह के बाद उन्हें सीएम पद की दावेदारी छोड़नी पड़ी। अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए शिव कुमार ने कहा, आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए बड़ी संख्या में वोट दिया लेकिन क्या करें, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुझे कुछ सलाह दी, मुझे उनकी बातों पर सिर झुकाना पड़ा। अब मुझे धैर्य रखकर प्रतीक्षा करनी चाहिए लेकिन आप सबकी जो भी इच्छा है वह व्यर्थ नहीं जाएगी। सिद्धरमैया को मिली थी कुर्सी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले जनादेश के बाद सिद्धरमैया शिव कुमार दिल्ली पहुंचे थे और सीएम पद के लिए दावेदारी पेश करते हुए आलाकमान के साथ कई बैठकें की। हालांकि कई दौर की चर्चा के बाद कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धरमैया के नाम पर मोहर लगा दी थी। सोनिया मेरी माँ के सम्मान, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वे सोनिया गांधी को अपनी माँ के समान मानते हैं और हमेशा उनकी इच्छाओं का पालन करते हैं। इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि ईडी के एक मामले में जब आप जेल गए थे तब आपने कसम खाई थी जब तक आप सत्ता में नहीं आएंगे तब तक आप अपनी दाढ़ी नहीं कटवाएंगे, क्या अब आप इसे शेव करेंगे? इस पर शिव कुमार ने कहा, नहीं वह समय अभी नहीं आया है।